देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रुड़की में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को लेकर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा ने जरूरतमंदों को चेक वितरण किए। केंद्र और राज्य सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे कम ब्याज पर जरूरतमंदों को सरकार ऋण दे रही है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, ताकि हमारा देश तकनीक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। पखवाड़ा घोषित किया गया है, इसके तहत कई लाभार्थियों के लोन सैंक्शन हुए हैं, जिनको आज लोन सैंक्शन के पत्र हमने दिए हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, चाहे वो डेयरी वाले हों, मिठाई का काम करते हों, ब्यूटिशन कोर्स वाले हों, बुटीक्स वाले हों, सभी को सरकार मदद कर रही है कि वो स्टार्टअप योजना के तहत अपना काम शुरू कर सकें और देश की तरक्की में भागीदारी कर सकें। सभी लोग बहुत खुश हैं, इनको सब्सिडी भी मिली है, लोन भी मिला है, तो ये अपना रोजगार बढ़ाएंगे आगे और आने वाले समय में एक मल्टी मिलियनर, एक बड़े इंडस्ट्रीज बनने का इनका सपना है, वो मैं समझता हूँ कि सपना पूरा होगा। बधाई दी यहाँ से तो लोन।